हम लोग दूसरे नंबर पर है भैया, डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ पे रही, राष्ट्रीय पार्टी बन भी गए थे भैया, और क्या नतीजा निकला? 3% से कुछ ज्यादा, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत। ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है। चिराग मॉडल की टीज भैया, सिर्फ बिहार में ही उनको दर नहीं दे रही है, नागालैंड तक चिराग मॉडल उनको दे रही है। राष्ट्रीय दल बनने गए थे जनता दल यूनाइटेड, भाई मैं नागालैंड की जनता को धन्यवाद करूँ जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास जताया, और भाई ये एक मजबूत विश्वास है, इसको लूक में आया हुआ मत नहीं कहा जा सकता। मजबूत जनादेश नागालैंड की जनता ने दिया, लगभग 9% का मत हम लोग को मिला। जहां 2 सीटें हम लोग जीते, वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे भैया, डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे रही। ये अपने में दर्शाता है भैया कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार बढ़ रहा है, उसकी झलक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जा रही है, और दूसरे राज्यों की जनता भी बिहार के इस विजन पर विश्वास करते हुए ये उम्मीद रख रही है कि उनके राज्य में भी जात पात धर्म मज़हब हर चीज़ से हटकर उनके इश्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसीलिए वे ऐसे दल की तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने गए थे भैया, बिहार में चिराग भी इस बार क्या, राष्ट्रीय दल बनने गए थे जनता दल यूनाइटेड, कितनी मेहनत किए थे ये लोग, उनकी भी 3% वोट, इनकी मेहनत देख लीजिए भैया। उस वक्त अगर आप लोगों को याद हो तो जिनके साथ ये गठबंधन में है कांग्रेस, राहुल गांधी जी की समापन कौन सी यात्रा वो थी, भारत छोड़ो यात्रा, तो उसका समापन हो रहा था कश्मीर में, तमाम दल के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, जदयू इसलिए नहीं गई थी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं भैया नागालैंड में हम लोग व्यस्त हैं, नागालैंड में पार्टी प्रचार में व्यस्त है, बड़े से बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे, कैंपिंग कर रहे हैं, कितने मंत्री जाके वहाँ पे दिन रात प्रवास वहाँ पे कर रहे हैं, और क्या नतीजा निकला? 3% से कुछ ज़्यादा। अगर मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनके पाँव के नीचे से कैसे ज़मीन खिसकती जा रही है, बिहार में 3rd नंबर की पार्टी, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत, ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है, उठाने की जरूरत है इस कानून को धरातल पर। एक अंतिम सवाल है, ललन सिंह चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ललन सिंह प्रचार के दौरान हमारे बिना सरकार नहीं, पूछिए ना, पूछिए उनसे। चिराग मॉडल की टीज भैया, सिर्फ बिहार में ही उनको दर नहीं दे रही है, नागालैंड तक चिराग मॉडल उनको। थैंक यू, थैंक यू चिराग।